prepared, but मेरी मामा जी कलकत्ते की बहुत बड़ी लेजेंड लिरिसिस्ट रह चुके हैं, गौरी प्रसन्न मजुमदार. There is any Bengali popular around. Work with Mr. Kishore Kumar, many, many, many song. So I'm here. It's my honor. अभी जो सिंगर को मैं बुलाना चाहती हूँ, उसके पहले हम जस्ट इतना ही बोलना चाहते हैं, जो किशोर कुमार ऐसा एक सिंगर है जिनके साथ आज की जो यंग जनरेशन भी है, आई थिंक एवरीबॉडी इज टच फ्रॉम हिज सॉन्ग. हम लोग बड़े हुए हैं उनकी दुख के गाने में, हम लोग रोते हैं उनकी गाने सुन के, रोमांस हो जाते हैं, और उनकी कई गानों में हम लोग हंस भी पड़ते हैं. तो दैट्स द किशोर कुमार, जिनकी हर गाने हर हो वर्ड हमारे दिल छू जाता है. अभी जो सिंगर को बुलाने चाहूंगी, हमारे बढ़ते हुए कलाकार, वेरी वेरी यंग टैलेंटेड, प्लीज जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत कीजिए, बिकॉज दिस पीपल आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ आवर बॉलीवुड, मिस्टर जान कुमार शानू. सलाम मिस्टर कुमार शानू. सबसे पहले आप सबको बहुत प्यार भरी नमस्कार मेरी तरफ से. जहाँ तक किशोर साहब के बात करने की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतने छोटे हैं कि उनके लिए कुछ कहना हमारे लिए कोई इस तरह मायने नहीं रखता, क्योंकि इतने बड़े सिंगर थे वो. गाना गाने आया हूँ, गानो बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा. वीडियो देने का अनीस बजरी साहब आएंगे. अनीस बजरी साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ऐसा उनका खुद का मानना है. पर हमें मानने लगे हैं, ठीक है. राज संडेले साहब भी आए हैं, हमारे मित्र आ गए. आप दिखा दीजिए कहीं नहीं ये आने वाले हो, जब भी आएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए. दूसरे बार जोरदार ताली बजा दीजिए पुनीत खरे और इस किशोरदा के कार्य शो के लिए. गुड मॉर्निंग. आज किशोरदा के एक से बकरे गाने यहाँ पर गाने जा रहे हैं. सौंदर्य तुम आज भी उतनी सुंदर लग रही हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार आई लव यू कहा था तुमने दिल से मुझे आई लव यू कहा था. सौंदर्या हमारी बहुत ही पुरानी दोस्त है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही पुराना है. अब इतनी पुरानी भी, ये भी तुम्हारे जमाने का है. क्या बात है, 5 साल तक किशोर के गाने गा रहा है. इटली उठली इटली उठली, बोले हाँ बहुत इटली दे चुके हो, 200 भी गाओ. 5 साल के बाद किशोर कुमार खत्म, रफी साहब शुरू, पत्नी के टॉर्चर से परेशान हुआ, कोने में रोता हुआ रफी साहब का गाना गा रहा है. कहता है बल्ती को देख के, मैं अकेला यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए. मुझे तेरे दिल का पता न था, मुझे और 5 साल के बाद तो फिर वो रिएक्ट करना भी बंद कर देता है.
पत्र चाहे कितना ही अत्याचार करे, खाट के नीचे घुसा हुआ पति मुकेश जी की आवाज में रिएक्ट करना ही बंद कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम भले ही सोना बेडरूम में, मुझे घर के हॉल में छोड़, मेरे हाल छोड़ दो। 90s का गाना आपने सुना होगा, उस गाने में बड़ा अच्छा गाना है, गाना था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, सुना होगा, लगता कितना प्यारा गाना है और कितनी प्यारी लड़की के लिए गाया होगा, लेकिन गाना पूरा सुनो तो लड़की से ज्यादा चालू दुनिया में कोई नहीं मिलेगी, चालू लड़की कैसे, सुनिए, लड़की खड़ी है, अब हीरो गा रहा है, लड़की कितनी चालू सुनिए गाने में, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, डरा 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 कोई और है, तेरा बहन कितने और है, बाद में पता चला इनका नाम है, नाम ये दिल है कि मानता नहीं, और हीरो का नाम है पूजा भट्ट, मेरा तू पूजा भट्ट नहीं तू ढिंचक पूजा है, तो बाबा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, क्षमा कर, शुभ रात्रि, अच्छा लगा, किशोर का नाम पर जोरदार ताली बजा लीजिए, किशोर का नाम पर जोरदार ताली बजाइए, और मुझे लगता है कि जल्दी ही हम लोग और किसी अच्छे प्रोग्राम में मिलेंगे, ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और किसी जैसे देखिए जैसा कि सुनील जी अभी आपने बोला किशोर कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और एक बार जोरदार तालियां सुनील कुमार जी के लिए भी हो जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री लॉरेंस डिसूज़ा जी से कि वो स्टेज पर आए और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन